बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़राई किचन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ मटन सीरी शोरबा की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें, और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप कोई इसकी चीज़ इसमें स्किप ना कर दें। तो उसके लिए ये सिरी का गोश्त है, इसमें जो ज़बान है ये देखें, इसको एंड पे काट दिया है ऊपर से और इस तरह ये गोश्त उसका निकाल लिया है। तो इसका गोश्त बहुत ही, इसमें यखनी होती है, बहुत मज़े का होता है। तो सबसे पहले गोश्त जो है उसको कढ़ाई में डाल देना है। इसमें बहुत ही मतलब कम मसाले डालते हैं, नमक है इसमें, पिसी हुई मिर्च है, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी, ये इसमें मसाले आपने डालने हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मसाले जो हैं वो गोश्त के अंदर ही ऐड कर देने हैं सारे मसाला जात, और इसके साथ साबुत लहसुन, प्याज, और इसके साथ आप पानी डाल देना है। इसके बाद इसे आप चूल्हे पर चढ़ा देंगे और पकने देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसकी यखनी, अब इसमें चर्बी भी होती है और ये जो आपको घी नज़र आ रहा है ये चर्बी की वजह से है, तो इसकी यखनी जो है वो बाहर आ जाएगी, मतलब यखनी इसकी अच्छी खासी निकल आएगी। ये देखें, अब इसमें घी नहीं डाला तो ये साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये चर्बी का है। व्यूअर्स, इसमें बहुत ज़्यादा यखनी होती है, जैसे आप पाए बनाते हैं इसका शोरबा अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पायों जैसा लगेगा। ये देखें, अगर यहाँ पर गोश्त इसका ना गले तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से गला लेना है और पानी इसका इसके अंदर खुश करना है, बिल्कुल कम रह जाए। ये देखें इतना सा रह गया, अब इसमें घी डाल देंगे। घी डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये गोश्त इसका इस तरह का आपको बिल्कुल गला हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर ये मसाला बन चुका है इस स्टेज के ऊपर। जैसे आप इसमें चम्मच फेरते हैं तो आपको साइड पे बिल्कुल पानी लगा नज़र नहीं आता, आप इसमें अपने पानी ऐड कर देना है जब ये वाली स्टेज आ जाए। तो अब इसको मज़ीद पकाना है ताकि कच्चा पानी इसमें ना रहे। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे। तो ये अब हमारा शोरबा जो है वो रेडी हो चुका है, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही मज़े का है। ये देखिए, ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, घर में खुद इस्तेमाल करें, गेस्ट को सर्व करें, बहुत ही मज़े की चीज़ है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।